हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले एमटीआर के शेयर से रिलेटेड। जैसे कि एमटीआर का आईपीओ अभी आता हुआ दिखा था, उसके पीछे एक लॉजिक है। अगर बात की जाए, अभी रिजल्ट आए नहीं है और न्यू आईपीओ आया था, न्यू लिस्टेड हुई थी कंपनी, तो हमारे पास वी डोंट हैव इनफ हिस्ट्री। और अब बात की जाए, वहाँ पर चार्ट पैटर्न भी कुछ हमारे पास है नहीं, बट स्टिल एक आइडिया है। उस आइडिया के बेस पे अगर बात की जाए, वो शेयर में मैं बाइंग कर चुका हूँ ऑलरेडी। और मैंने उसी आइडिया पे काफ़ी दिन पहले बाइंग करी थी और मुझे लग रहा था कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उस शेयर से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात करें, कल की डेट में यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ आई थी जिसका इफेक्ट आज के दिन में होता हुआ नज़र आया था। और अगर हम बात करें, यहाँ पर एक कंपनी थी जिसने 275 रुपीज का डिविडेंड भी दिया था, 7 टाइम बोनस। तो इन वीडियोस को जाके देख लीजिएगा, आपकी एक शार्प आपको एक नॉलेज मिल जाएगी। एज वेल एज बात करें, वीडियो की तरफ चलते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें, दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़े। तो जिस शेयर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, एमटीआर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया था और अप्लाई करने के बाद अगर बात करें, लगभग 574 to 575 रुपीज़ का ये एक शेयर आपको मिल रहा था। और जिसको भी मिला होगा, उसके बाद ये शेयर लगभग अगर बात करें तो दोगुना, मतलब 70-80% तक का इसने प्रॉफिट दिया था जिस टाइम ये ओपन लिस्ट होता हुआ मार्केट में नजर आया था। अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 1145, अगर बात करें यहाँ पर देख लीजिए, 1145 तक ये शेयर जाता हुआ दिखाई दिया था, मतलब आपके पैसे को दोगुना इसने कर दिया था। फिर उसके बाद एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आ चुकी है। और अगर बात करूँ तो ये शेयर आपको एक अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है, किस लॉजिक के साथ, तो उस लॉजिक को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी आईपीओ मार्केट में लिस्ट हुए, या तो वो उसी लेवल पर आ गए ओके, या फिर वो अगर उन कंपनी में ताकत है, अगर एक अच्छी खासी कंपनी नज़र आती है, एट दैट पॉइंट वो शेयर ना काफ़ी भाग चुके हैं। कोई भी आप शेयर, कोई भी न्यू लिस्टेड आईपीओ उठा के देख लीजिए, सबकी कहानी सेम है। अगर इज माई ट्रिप की अगर बात की जाए, वो आज की डेट में 2-3 दिन से भागे जा रहा है ओके, वो भी अच्छा खासा गेन, बात करें 20% तक भाग चुका है। एज वेल एज बात करें हम रोजरी बायोटेक, वो भी एक अच्छा खासा लेवल पर भाग चुका है। मतलब जितने भी उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो रिजल्ट भी इस बार सारी कंपनियों के काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं, तो एक फ़ायदा एक मिल सकता है। और जैसे ही इस मंथ के आसपास यहाँ पर रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे इस कंपनी के, और रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, तो ये कंपनी फिर दोबारा भागती हुई दिखाई देगी। और अगर बात करें, ये कंपनी मुझे दोबारा इस लेवल पर तो जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 10% के आपको यहाँ पर गेन मिल जाएंगे। मैंने लगभग ये 900 के आसपास ये शेयर खरीदा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दूसरे शेयर भाग रहे हैं तो शायद ये भी भागेगा, और ये ऑलरेडी 2-3% भाग चुका है, तो अभी भी एक मौका लग रहा है इस आइडिया को देखते हुए। बस इस आइडिया के बेस पर अभी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम वी डोंट हैव इनफ हिस्ट्री, हमारे पास कोई ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है, इसलिए एक आइडिया। अगर बात की जाए, देखिए आज के दिन में भी 53% की डिलीवरी, 47,658 शेयर्स यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए हैं। और अगर बात कर रहे, 52 वीक लो की 860 रुपीज का 52 वीक लो था, इसके अलावा 1154 रुपये तक ये शेयर इसके बाद भागता हुआ नजर आया था। मतलब मार्च की ही लिस्टिंग है, ज़्यादा लिस्टिंग भी नहीं है। और यहाँ पर देखिए कुछ डिटेल्स, ऑलरेडी यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर नज़र नहीं आती। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग वगैरह सब चीज़ शायद अगर दे रखी होगी तो हम देखेंगे। पहले कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं, कंपनी करती क्या है। कंपनी के सेगमेंट की बात करें, देखिए सिविल न्यूक्लियर पावर में कंपनी नज़र आती है, स्पेस में कंपनी नज़र आती है, मतलब इसरो के साथ ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, इस चीज़ को याद देखती है। इसके बाद डिफेंस एंड एरोस्पेस में ये कंपनी काम नज़र आती है, क्लीन एनर्जी में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, बॉल स्क्रू एंड रोलर स्क्रूअर में कंपनी काम करती हुई नज़र आती है, अदर सेगमेंट मरीन सिस्टम वगैरह में ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ओके, एक तो डाइवर्सिफाइड है, एज वेल एज काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। इसरो के साथ इसका काम है और ओके, न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, सिविल एनर्जी से रिलेटेड, यहाँ पर पावर से रिलेटेड कंपनी के काम यहाँ पर नज़र आते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली बात है इसे अच्छा खासा परफॉर्म करना ही है, बट तब तक के लिए आपको एक वेट करना पड़ेगा। बट स्टिल अगर बात की जाए, वेट करने के लिए अभी अगर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हम वेट कर पाएंगे, तभी हमें अच्छा खासा गेन भी मिल पाएगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ फंडामेंटल्स की,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनके बारे में और भी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी है, 28-40 करोड़ रुपीज़ की कंपनी है। डेट की बात करें, 13% की डेट है, ज़्यादा डेट भी नहीं है। अगर बात करें ROCE, 19% के ROCE के साथ कंपनी काम करती है। प्राइजिंग की बात करें, कोई भी शेयर इनका प्राइज नहीं है, 10 का फेस वैल्यू है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे इस तरीके से लगती है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। CAGR की बात करें तो 5 साल में 54% के CAGR से पैसा बढ़ रहा है। इसका मतलब आप समझते ही है कि 30% के CAGR से अगर आप 10 लाख रुपए लगा देते हो, कंपनी बढ़ती है, तो आपका 20 साल में 100 करोड़ रुपए होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अगर ऐसी कंपनी मिलती है तो हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की, तो सेल्स यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मार्च में यहाँ पर दिखा रखा था 61 करोड़ की सेल्स थी। दिसंबर की बात करें, लगभग 9 मंथ्स के आसपास मतलब बाद, तो 55 करोड़ रुपीस की सेल्स थी। तो इस फैक्टर को अभी हम चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि अभी जब तक इसके रिजल्ट नहीं आ जाते, मार्च के अभी जो अपकमिंग रिजल्ट है, जो अभी आने वाले हैं, तब तक एक कुछ कहना इस कंपनी के बारे में गलत होगा। अगर इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए, इंटरेस्ट कम पे करती हुई दिखाई दे रही है, मतलब इन्होंने अपना इंटरेस्ट कम, मतलब डेट कम किया है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कंपनी के पास आसपास इतना ही सेम प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो देखिए, कंपनी प्रॉमिसिंग शो कर रही है, सेल्स दिखा रही है, 54 करोड़ रुपए की सेल्स। ओके, हर एक ईयर में बढ़ते बढ़ते आज की डेट में 214 करोड़ रुपए की सेल्स, मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। और अभी जब इसके आएंगे तो शायद बढ़ते हुए ही आएंगे नंबर्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, 4 करोड़ का प्रॉफिट 58 करोड़ में चेंज हो गया है। माइनस में यहाँ पर प्रॉफिट था, वो बदल के यहाँ पर पॉजिटिव में यहाँ पर चेंज हो गया है। तो ये सारे पॉइंट्स को हम अनदेखा नहीं कर सकते। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छे हैं, 98 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरिंग की बात करें, यहाँ पर 29 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग है। और कंपनी देखिए, यहाँ पर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस की अगर बात करें, यहाँ पर कंपनी ने यहाँ पर मतलब कंपनी खर्च भी कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर फिक्स एसेट भी बढ़ रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कंपनी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी कर रही है आगे फ्यूचर प्लान्स के लिए। और जैसे जैसे कैपेसिटी इनकी इंक्रीज़ होगी, ओके, ये अपने आप को और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैश की, 23 करोड़ का कैश है, 62 करोड़ के ट्रेड रिसीवेबल अभी इन्हें मिले हैं। लास्ट ईयर की बात कर रहे हो रही है अभी, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आए हैं। बाकी प्रमोटर्स की होल्डिंग 50% की है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर्स कौन कौन है, तो यहाँ पर इनके नाम है, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर FIIs के पास, ये लेटेस्ट यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न है 2021 मार्च की। इसके अलावा यहाँ देख ले, गोल्डमैन सैक्स ने इंडिया लिमिटेड ने भी 1.24% की। अगर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें, 3% की होल्डिंग है। DIS ने तो यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने भर भर के यहाँ पर शेयर ले रखे हैं, देखिए 24%। SBI है, एक्सिस है, ओके, ITPL है, आदित्य बिरला, PGIM, निपॉन लाइफ, UTI, तो मतलब सब ने यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग ले रखी है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास यहाँ पर अगर हम बात कर रहे तो 11% के आसपास ही होल्डिंग है। यहाँ पर भी इन HIIs ने या छोटी छोटी जो कंपनी है, उन्होंने एडवाइजरी फॉर्म्स ने यहाँ पर ले रखी है इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग। तो इस चीज़ को अगर देखते हुए हम बात करते हैं तो केवल 11% की होल्डिंग पब्लिक के पास होना, बाकी सारी अच्छे हाथों में होना, और एज वेल एज प्रॉमिसिंग चार्ट पैटर्न, प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल, वो सब चीज़ देखते हुए अगर हम देखते हैं तो ये जैसे इसके रिजल्ट भी अनाउंस होंगे तो ये भागता हुआ दिखाई देगा ये शेयर। और अच्छे रिजल्ट आ गए, ओके, कंपनी ने अपने आप को प्रूव करके दिखा दिया कि हाँ, वी आर द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, तो फिर ये शेयर फिर 1500 से आसपास ही जाके रुकेगा, इससे पहले नहीं रुकेगा, क्योंकि न्यू कंपनी ऑलवेज इसी तरीके से ग्रो करती हुई नजर आती है। बट हमें टाइम देना होता है, मार्च में लिस्टिंग हुई है तो 6 महीने का एटलीस्ट हम अगर इसमें टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि ये शेयर आपको भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बाकी आपकी स्टडी, ओके, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प कर लीजिए, खुद की स्टडी करिए। मेरी स्टडी थी तो मैं जो मैंने आपको आपके सामने पेश कर दी। बाकी कंपनी मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बार बार अगर रेसिस्टेंट की बात करें यहाँ पर लेवल की, तो देखिए यहाँ पर एक बेस बनाया हुआ है इसने। इससे पहले यहाँ पर एक बेस यहाँ पर बनाया था, बट अब ये यहाँ बना दिया, और मुझे लगता है अगला बेस ये यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार रुका, फिर यहाँ, मतलब बार बार यहीं पर ही इसी लेवल पर आके, ओके, कंपनी रुकती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज़ को, ये कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लगते हैं कि कंपनी आगे बढ़ सकती है। तो आप अपने हिसाब से स्टडी कर लीजिए, बाकी मैं तो इसमें ऑलरेडी बायर हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से स्टडी करके ही लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके डेफिनेटली बताइए। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।